स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो में। और आज हम करेंगे शब्दों के वर्गीकरण विषय के तहत। हम करेंगे कुछ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो हमने कल तत्सम तद्भव कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, और तद्भव शब्द वे होते हैं कि हिंदी में बोले जाने वाले संस्कृत के वो शब्द जिनका रूप थोड़ा सा बदल गया है या हम उनको नए रूप में बोलते हैं। तो बदला हुआ रूप होता है तद्भव, और पुराना रूप होता है, मूल रूप जो होता है शब्द का वो होता है तत्सम। तो ध्यान से बोलिए, तत्सम तद्भव, तत्सम शब्द तद्भव शब्द। तो पहला शब्द है घट। घट, घट मतलब घड़ा, जिसको हम आज की भाषा में घड़ा समझते हैं ज्यादा जल्दी, घट थोड़ा धीरे। कपोत, कबूतर, कपोत कबूतर। बहुत बार कहानियों में, दोहों में, कई बार पुरानी कहानियों में लेखकों द्वारा ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। मस्तक, माथा। वाष्प, भाप। प्रहर, पहर। काक, कौवा। दधि, दही। मयूर, मोर। जीवा, जीभ। आम्र, आम। आगे के हैं चैत्र, चैत। चैत्र एक वर्ष का महीना होता है। सूर्य, सूरज। गणना, गिनती। भ्रमर, भवरा। भगिनी, बहन। भगिनी, बहन, ध्यान से सुनिए। स्वप्न, सपना। छत्र, छाता। वानर, बंदर। दश, दस। वर्षा, वर्षा को हम बारिश भी कहते हैं और बरखा भी कह देते हैं कभी कभी, तो बरखा बारिश दोनों एक ही बात है। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, वर्षा, बारिश। दश, दस। वानर, बंदर। छत्र, छाता। स्वप्न, सपना। भगिनी, बहन। भ्रमर, भंवरा। गणना, गिनती। सूर्य, सूरज। चैत्र, चैत। आम्र, आम। जिह्वा, जीभ। मयूर, मोर। दधि, दही। काक, कौवा। प्रहर, पहर। वाष्प, भाप। मस्तक, माथा। कपोत, कबूतर। घट, घड़ा। तो आप इन शब्दों को लिख कर अभ्यास कीजिए। देखिए, लिखना, उच्चारण करना बहुत जरूरी है, और इनको पढ़िए, हिंदी पढ़ने का अभ्यास कीजिए, और हिंदी पढ़ने का एक आपके अंदर शौक भी होना चाहिए ताकि आपकी हिंदी बहुत सुंदर हो। तो इन सब शब्दों को पढ़िए, और जो कल की वीडियो है, अब तक की वीडियो है, उनको भी देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है या इतना मैं अपने को जान सकती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लाभदायक ही होंगी, और हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती हूँ। तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आगे और भी विषयों के साथ आए और बहुत सारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। वो सब पढ़ो सब बढ़ो जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो मैं देखना चाहती हूँ कि वाकई में सब बढ़ें, तभी मेरी मेहनत जो है कामयाब होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।